हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा सेक्टर और कौन से स्टॉक आपके वॉचलिस्ट में होने चाहिए। सबसे पहले हम इंडेक्सेस के बारे में जानेंगे, उसके बाद एफएनओ स्टॉक्स और उसके बाद कैश स्टॉक्स। याद रहे, वीडियो में जो भी स्टॉक डिस्कस होंगे वो आपको कोई भी डायरेक्ट बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी स्टडी करिए और उसके बाद खुद डिसाइड करिए कि आपको वो बाय करना है कि नहीं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स, लास्ट टाइम आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट भेजे, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। और ऐसे ही कमेंट करते रहिए। अगेन, कमेंट करना इसलिए जरूरी है कि यूट्यूब के अल्गोरिदम कमेंट्स को देख के यूट्यूब ये मेरे इस वीडियो को पुश करेंगे, जिससे ये ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले अगर जब इंडेसिस के बारे में जाने तो आईटी आज जिस तरीके का फ्राइडे को जो ये मूव रहा, तो आईटी मुझे लग रहा है कि आईटी एक नेक्स्ट अब इमर्ज हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो 10 and 20 को मैनेज कर रहा है, इसके ऊपर रह रहा है, हाई रेजिस्टेंस के पास है। लेकिन जिस तरीके से, और स्मॉल आईटी स्टॉक देखना है, बड़े आईटी स्टॉक नहीं देखने, क्योंकि अगर आप मिड कैप देखेंगे तो वहीं पे आपको मूव मिल रहा होगा। तो स्मॉल आईटी स्टॉक देखिए, और यहाँ पे एक आईटी में हो सकता है, अगेन जिसके बात हम कर रहे थे, एक फ्लैगी सा पैटर्न यहाँ पे डेवलप हो रहा है आईटी इंडेक्स के अंदर। तो आईटी सेक्टर आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट इज रियलिटी। और रियलिटी में जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक यहाँ से एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ, एक यहाँ से एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ, और बाद में ये होगा ये करेक्शन, लेकिन 20 EMA से ये बाउंस लेने में कामयाब रहा है। तो देखते हैं, अगर ये सेटअप होता, आप वेट करें, यहाँ पे डायरेक्ट कोई कंसोलिडेशन बनता है सेक्टर वाइज तो फिर वो ब्रेकआउट ट्रेड करने में ज्यादा मजा आएगा। तो रियलिटी आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए, लेकिन थोड़ा डेवलप होने दीजिए। नेक्स्ट इज ऑटो। ऑटो में एक ब्रेकआउट हुआ था, ये देखिए बड़ी रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये पॉसिबल है कि 20 EMA तक ये रिटेस्ट करके आए, या फिर आज का जो रिटेस्ट हो चुका 10 से नीचे जाके वो भी डन हो चुके। लेकिन अगेन यहाँ पे आपको एक साइडवेज कंसोलिडेशन की वेट करनी होगी। आप देख रहे हैं पुराने जो हमने स्टडी किए, इसीलिए मैं चार्ट के ऊपर रखता हूँ, आपको पता चले कि पहले भी हमने यही एक्सपेक्ट किया था और ऐसा मूव मिला है। जैसे कि ये फ्लैगिश पैटर्न 10 and 20 से बाउंस करके ऊपर गया, अगेन ये 10 से बाउंस कर रहा है। सो ऑटो भी आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। जो सर्विस सेक्टर है, ये एक रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस को निकले उसकी वेट करेंगे। तो इस वीक के लिए इसको साइडवेज रखते हैं या इसको साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट PSU बैंक, मैंने अवॉइड करने को बताया था लास्ट वीक भी, क्योंकि PSU जो मूव है वो काफी बड़ा मूव आ चुका है। एंड अगेन यहाँ से कोई साइडवेज एक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे एक साइडवेज एक्शन हो जाता तो वो बेटर था। अगेन ये 10 and 20 से नीचे, तो इस वीक के लिए मैं PSU बैंक्स को अवॉइड कराओ अपनी मेन वॉचलिस्ट से। नेक्स्ट निफ्टी 500, और जो मिड कैप स्मॉल कैप कर रहे हैं काफी अच्छा काम कर रहे हैं, निफ्टी 500 भी अच्छा चल रहे हैं, तो ये आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। फाइनेंशियल सर्विस, यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट आप देख सकते हैं, कंटिन्यूअस जो रिजेक्शन है वो 10 EMA से बाउंस आपको मिल रहा है इसके अंदर। तो फाइनेंशियल स्टॉक जो भी हो फाइनेंस रिलेटेड, वो आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। मेटल और कमोडिटी दोनों अवॉइड करना है। आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस 10 and 20 के नीचे ये मैनेज हो रहा है, और 20 से जो रिजेक्शन लेके वापिस नीचे जा रहा है, तो कमोडिटी में भी यही होगा। तो मेटल और कमोडिटी, ये सेक्टर स्कैनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने गलत सेक्टर में पैसे लगा दिए तो आप दो तरीके से आपका लॉस होगा, एक आपका स्टॉप लॉस होगा और दूसरा एक अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे जहां पे अच्छे स्टॉक चल रहे होंगे, तो वो याद रहे। नेक्स्ट इंफ्रा भी 20 से बाउंस किया, 20 के नीचे जाके ये बाउंस किया, लेकिन अगेन साइडवेज एक्शन की वेट करेंगे। तो इस वीक के लिए इंफ्रा में भी मैं थोड़ी वेट करना चाहूंगा, तो इसको साइडवेज। तो अभी तक के लिए आपको आईटी, रियलिटी, ऑटो, सर्विस सेक्टर, ये अपनी वॉचलिस्ट में लेके जाना है, और मिड कैप स्मॉल कैप तो चल ही रहे हैं। मीडिया अवॉइड करना है, जो कंजप्शन है ये बाउंस ले, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको छोटे स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे कंजप्शन सेक्टर में या FMCG में, जहाँ पे बड़े स्टॉक ज्यादा है, कैश स्टॉक्स ज्यादा अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, तो इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। एनर्जी अवॉइड, स्मॉल कैप जैसे मैंने बताया कि ये 10 से बाउंस ले रहा है, अच्छा कर रहा है, FMCG 10 and 20 के ऊपर है, लेकिन अगर आप FNO ट्रेडर है तो आप देख सकते हैं FMCG सेक्टर। जो नेक्स्ट मिड कैप, ये कितना स्ट्रॉन्ग है आपको बता रहा है यहाँ पे, ये जो कैंडल आज की है, ये नीचे से बिल्कुल इसने बाउंस बैक किया, 10 से नीचे जाके एक बाउंस किया, तो मिड कैप स्मॉल कैप 100% आपको अपनी वॉचलिस्ट में, और अच्छा कर रहे हैं, तो वो आपको देखने होंगे। MNC अगेन 20 से बाउंस किया, साइडवेज एक्शन की वेट करेंगे यहाँ पे।
पीएससी सीपीएससी यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि आप वेट करिए। एंड फार्मा, फाइनली फार्मा में कुछ स्ट्रेंज सा एक्शन है कि देर आर फ्यू स्टॉक जो सेटअप हो रहे हैं फार्मा के अंदर। बड़े फार्मा स्टॉक की बात नहीं कर रहा, वो आगे जाके हम कैश स्टॉक में बात करेंगे कि जो फार्मा के कुछ स्टॉक्स, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप फार्मा में जो छोटे स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप मिड कैप वो जाके स्कैन करिए सेम सेक्टर, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में मूव अच्छे मिल रहे हैं, तो वो जाके स्कैन करिए। ये एक फ्लैगिश सा पैटर्न है, ये फेलियर हुआ है, तो फार्मा अवॉइड करने की यहाँ पे मैं सलाह दूंगा। लार्ज कैप में जो छोटे स्टॉक्स है वहां पे जो फार्मा रिलेटेड है, अगर ये पीआई कहे या फार्मा रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है तो वहां पे अच्छे स्टॉक सेटअप हो रहे हैं, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये एक छोटा सा अपडेट था इंडेक्सेस के बारे में, जिससे आपको पता चला कि आईटी, रियलिटी, ऑटो इन सेक्टर के ऊपर फोकस करना है और मेनली छोटे स्टॉक स्मॉल एंड मिड कैप पे ज्यादा फोकस करना है। अगर हम एफएनओ स्टॉक की बात करें तो एफएनओ स्टॉक में सबसे पहला जो स्टॉक मुझे अच्छा लगा वो है विप्रो। अगर आप विप्रो का चार्ट देखेंगे तो विप्रो के चार्ट पे आप देख रहे हैं कि ये मूव आया और ये हो गया ये साइडवेज यहाँ पे, तो 388, 389 काफी पास है, तो इसके ऊपर एक अच्छा मूव दे सकता है विप्रो। तो विप्रो आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक, और आईसीआईसीआई बैंक का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखे, बड़ा चार्ट देखे, वीकली चार्ट भी करके देखे, तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक मेजर ब्रेकआउट के पास है, जिसे हम कहते हैं कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, जो ये बिल्कुल न्यू हाई लगाने के बिल्कुल पास है। और अगर आप वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो ये आईसीआईसीआई बैंक का हाइएस्ट एवर क्लोज होगा, तो हम कह सकते हैं कि 52 वीक हाई पे ये क्लोज भी हुआ है और या फिर ऑल टाइम हाई पे इसका क्लोजिंग भी हुआ है। तो आईसीआईसीआई बैंक आपकी वॉटलिस्ट में होना चाहिए फॉर नेक्स्ट वीक। एक और बैंक आपकी वॉटलिस्ट में होना चाहिए वो है इंडसइंड बैंक। अगर आप इंडसइंड बैंक का चार्ट देखें तो इसको मैं पहले वीकली चार्ट करके दिखाता हूँ, और कोई भी लाइन नहीं, तो आप देखिए इसका लॉन्ग टर्म चार्ट है। इंडसइंड बैंक एक बहुत बड़ा बेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, तो ये कोविड के जो हाई थे उसके पास पहुंच चुका है, जो कोविड के हाई के पास पहुंच चुका है, जो वहां से ड्रॉप हुआ था तो फेब्रुआरी 2020 के लेवल के पास पहुंच चुका है। सो 1280 ये लेवल याद रहे इंडसइंड बैंक के अंदर, इसके ऊपर एक अच्छा मूव आ सकता है, काफी बढ़िया मूव आ सकता है इंडसइंड बैंक के अंदर, क्योंकि ये 2 साल 3 साल का बेस ब्रेक करेगा। तो इंडसइंड बैंक आपकी वॉटलिस्ट में होना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस, और बजाज फाइनेंस में अगर आप देखें, जैसे हमने देखा कि सेक्टर वाइज के फाइनेंशियल स्टॉक के अंदर भी एक आपका मूव मिल रहा है आपको, तो बजाज फाइनेंस भी सेम वही चीज कर रहा है। ये 1 साल पुराना ये ब्रेकआउट के पास आके खड़ा है, अगर आप यहाँ से देखें सो बजाज फाइनेंस अगर यहाँ से निकला तो आपको एक अच्छा मूव अराउंड 10% के आसपास का मूव आपको मिल सकता है बजाज फाइनेंस के अंदर, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक जो मूव आया है यहाँ से, पहले देखिए यहाँ से एक मूव आया, ये साइडवेज ये फ्लैगिशा पैटर्न बना, अगेन एक मूव आया और ये फ्लैगिशा, ये अगर यहाँ पे 2-3 दिन और कंसोलिडेशन कर देता है तो ये काफी अच्छा सेटअप बन जाएगा बजाज फाइनेंस का, काफी मेच्योर बन जाएगा। तो बजाज फाइनेंस आपकी वॉटलिस्ट में होना चाहिए। सो एफएनओ में से ये 4 स्टॉक है जो आपकी वॉटलिस्ट में होने चाहिए। जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम बात करेंगे कैश स्टॉक की, और कैश स्टॉक में सबसे पहला जो स्टॉक है वो है रॉयल ऑर्किड होटल, और होटल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। अगेन यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट के पास है, यहाँ पे होटल स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे, एक ब्रेकआउट हो चुका है इसका। सो यहाँ पे अगर 367 के ऊपर निकल रहा है, 367, 368, तो रॉयल ऑर्किड होटल एक अच्छा मूव दे सकता है, ये 10 एंड 20 के पास है, तो ये आपकी वॉटलिस्ट में होना चाहिए। जो सेकंड स्टॉक है वो सुप्रिया लाइफ साइंस, अगेन मैंने बताया था कि फार्मा सेक्टर अच्छा नहीं, लेकिन फार्मा से रिलेटेड जो भी स्टॉक है सुप्रिया लाइफ साइंस, तो आप देखिए एक बड़ी कैंडल के बाद ये बिल्कुल सारी कैंडल एक ही कैंडल के अंदर बनी है। सो ये एक डबल इनसाइड बार भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस बार के अंदर ये 2 बार भी बना है। तो सुप्रिया लाइफ साइंस अगर आप 249, 250 के ऊपर देखें तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, तो सुप्रिया लाइफ साइंस आपकी वॉटलिस्ट में होना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है कैमलिन फाइन साइंस, अगेन एक फार्मा रिलेटेड काम, और ये कि आप ये वीकली में भी काफी अच्छा स्टॉक है ये कैमलिन फाइन साइंस, तो ये
क्वाइट विजिबल है कि ये काफी अच्छा सेटअप है, और तो 175-176 के ऊपर एक अच्छा मूव दे सकता है कैमलिन फाइन साइंस, तो ये भी आपके वॉटलिस्ट में होना चाहिए। जो लास्ट स्टॉक है वो भी हम फार्मा से लेके आए, वो है आरती ड्रग्स। और अगेन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मोमेंटम में है। मोमेंटम में कैसे पता चलेगा, आप देखिए ये एक मूव आया फिर साइडवेज गया, फिर से एक मूव आया और फिर से ये साइडवेज गया। तो रिपीटेडली मैं ये बताता रहा हूँ आपको चैनल से, अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे होगे, समझ रहे होगे, सिर्फ ये वीडियो ही देख तो आप समझ रहे होगे कि बस आपको एक ही एक सिंपल सा पैटर्न आपको ट्रैक करना है और वहीं से आप अपना ट्रेडिंग इंप्रूव कर पाएंगे। तो आरती ड्रग्स भी एक आपकी वॉटलिस्ट में होना चाहिए। अगेन ये डायरेक्ट फार्मा रिलेटेड, फार्मा इंडेक्स में नहीं आएंगे, लेकिन छोटे फार्मा स्टॉक आप देख रहे हैं कि सुप्रिया लाइफ साइंस, कैमलिन और आरती ड्रग्स। सो फार्मा एज अ सेक्टर अगर आप लार्ज कैप लेके चलेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने स्कैन किया होगा जैसा मैं डेली करता हूँ, 700-800 स्टॉक डेली स्कैन करता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, मेजरली फार्मा स्टॉक जो बड़े हैं वहां पे दम नहीं है, लेकिन जो छोटे स्टॉक्स जो फार्मा रिलेटेड है वहां पे कुछ काम हो सकता है। तो ये एक अपडेट था नेक्स्ट वीक के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो की लिंक जरूर से शेयर करना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर टाइम।